हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप घर बैठे ही ढाबा स्टाइल तंदूरी रोटी का मज़ा ले सकते हैं। तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमने पहले से ही आटा गूंद कर रख लिया था। आटा नॉर्मल चपाती के आटे की तरह ही गूंदना है और साथ ही हमें चाहिए देसी घी रोटी पर लगाने के लिए। तंदूरी रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए कोई भी खुले मुंह वाला कुकर। खुले मुंह वाला कुकर इसलिए लेना है ताकि इसमें रोटी आसानी से लगाई जा सके। तंदूरी रोटी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर कुकर को प्री हीट करेंगे। कुकर प्री हीट करने के लिए सबसे पहले गैस पर कुकर को इस तरह सीधा रखकर गरम करेंगे। कुकर गरम हो गया है, अब इस कुकर को उल्टा करके हम फिर से गरम करेंगे। कुकर गरम हो रहा है, अब हम रोटियां बेलकर तैयार करेंगे। रोटी बेलने के लिए हम हाथ पर लगाएंगे देसी घी और थोड़ा सा आटा लेकर हम इसका पेड़ा बनाएंगे इस तरह से। इस रोटी को बेलने के लिए सूखे आटे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इस पेड़े पर थोड़ा सा घी लगाकर इसकी इस तरह से रोटी बेल लेंगे। ये मैं रोटी छोटी छोटी बेल रही हूँ क्योंकि हमारा ये कुकर छोटा है। ये मैंने 3 लीटर का कुकर लिया है। अगर आप बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं तो आप बड़ा कुकर इस्तेमाल करें। कुकर गर्म हो गया है, अब इस कुकर को हम सीधा कर लेंगे और इसमें लगाएंगे रोटियां। रोटी लगाने के लिए सबसे पहले हम रोटी को लेंगे और उस पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी और इसे इस तरह से कुकर में लगा देंगे। ये देखिए हमने कुकर में सारी रोटियां लगा ली हैं। अब हम कुकर को उल्टा करके गैस पर रखेंगे और गैस को मीडियम आंच पर रखेंगे। रोटियां बन रही हैं और अब हम बीच में से इस तरह से कुकर को उठा उठा कर रोटियों को चेक करते रहेंगे। अब हम रोटियों को चेक करेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए रोटियां अच्छे से फूल गई हैं। अब हम एक एक रोटी को इस तरह से उतार कर गैस पर सेकेंगे। ये देखिए रोटी कितनी अच्छी सिक गई है। इसी तरह से हम बाकी की रोटियों को भी सेक लेंगे। ये देखिए रोटियाँ कितनी अच्छी बनी हैं और कितनी अच्छी खुशबू आ रही है रोटियाँ सेकने के। ये देखिए रोटियां बनकर तैयार हैं। अब इन रोटियों पर हम घी लगा लेंगे और इसी तरह से हम बाकी की रोटियां भी बना लेंगे। ढाबा स्टाइल तंदूरी रोटी को मैंने चना दाल फ्राई के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद किसी भी दाल या सब्जी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तंदूरी रोटी बनाने के लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है।
एक तो रोटी बेलते समय आपने सूखे आटे का इस्तेमाल नहीं करना है, दूसरा रोटी लगाने से पहले कुकर अच्छा गर्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, आप भी कुकर में तंदूरी रोटी को बनाइए। आप चाहें तो इसी तरह से आप लच्छा परांठा भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट्स और सजेशंस भी दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।